इन दिनों एक खास खबर चारों तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है और ये खबर ये है कि चीन ने एक आर्टिफिशियल सन का निर्माण कर लिया है जिसका तापमान असली सूर्य से भी 6 गुना ज्यादा है। विश्व के लगभग सभी पॉपुलर न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को कवर किया, पर इसकी हकीकत क्या है? क्या चीन ने सचमुच एक आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम सूर्य का निर्माण कर लिया है? क्या ये हमारे असली सूर्य को रिप्लेस कर सकता है? आखिर चीन ने किया क्या और कैसे? इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे आज के इस एपिसोड में। साथ ही साथ हम चीन के द्वारा आर्टिफिशियल मून को लॉन्च करने के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस संदर्भ में न्यूज़पेपर्स द्वारा आर्टिफिशियल सन वर्ड का इस्तेमाल करना थोड़ा मिसलीडिंग है, क्योंकि चीन ने ऐसा कुछ नहीं किया जो हमारे असली सूर्य की जगह लेने वाला हो। तो आखिर चीन ने किया क्या, आइए जानते हैं। दरअसल आज जितने भी प्रकार के पावर सोर्स इस पृथ्वी पर मौजूद है उनमें से ज्यादातर पावर सोर्स या तो एनवायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं या फिर उनसे हार्मफुल रेडिएशन के पैदा होने का खतरा रहता है। उदाहरण के लिए हम थर्मल पावर प्लांट में कोयले का इस्तेमाल करके बिजली बनाते हैं, पर इससे काफी पोल्यूशन होता है। उसी तरह इस समय मौजूद न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर्स से भी हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, पर इसमें भी हार्मफुल रेडियो एक्टिव वेस्ट मिलता है जो हमारे लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। चूंकि एज अ ह्यूमन रेस तकनीकी फील्ड में हम लगातार प्रगति करते जा रहे हैं, मुमकिन है कि भविष्य में हमें एनर्जी क्राइसिस से जूझना पड़े, क्योंकि जैसे जैसे हम एडवांस्ड होते जा रहे हैं पहले के मुकाबले हम ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। भविष्य में एनर्जी क्राइसिस की परेशानी ना हो ये इंश्योर करने के लिए वैज्ञानिक आज नए एनर्जी सोर्स की तलाश में लगे हुए हैं। हमारे पास इस समय जो मुख्य एनर्जी सोर्स मौजूद है वो काफी प्रदूषण फैलाते हैं, जिससे हमारी पृथ्वी का वातावरण भी निरंतर दूषित होता जा रहा है। इसलिए इस बात का भी खास ध्यान दिया जाता है कि जिस नए एनर्जी सोर्स की हम तलाश कर रहे हैं वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हो, यानी कि इससे कोई प्रदूषण ना हो। आज हर फील्ड में इलेक्ट्रिसिटी तथा सोलर पावर टेक्नोलॉजी का निरंतर बढ़ता इस्तेमाल भी ये दर्शाता है कि हम एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी सोर्स की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे विकास का कोई मतलब नहीं बनता जो पूरे वातावरण को खत्म करके हो। चीन ने क्या हासिल किया है इसे समझने के लिए आपको न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। स्कूल के दिनों में आपने इनके बारे में जरूर पढ़ा होगा। आइए इनके बारे में एक बार फिर से थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर फिजन की। अगर साधारण शब्दों में कहूँ तो न्यूक्लियर फिजन वो प्रोसेस होता है जिसमें एक एटम का न्यूक्लियस टूटकर कई छोटे लाइटर न्यूक्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। पृथ्वी पर मौजूद सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में न्यूक्लियर फिजन का ही इस्तेमाल होता है। इन रिएक्टर्स में आमतौर पर यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये फिजाइल मटेरियल होते हैं, यानी कि ये ऐसे मटेरियल होते हैं जो न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन को सस्टेन करने में सक्षम होते हैं। इनके हैवी न्यूक्लियस जब टूटकर छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होते हैं तो वहाँ गामा रेडिएशन और न्यूट्रॉन के साथ काफी हीट भी प्रोड्यूस होता है। इस हीट का इस्तेमाल किया जाता है स्टीम टर्बाइन को चलाने के लिए, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। पर न्यूक्लियर फिजन के साथ परेशानी ये है कि इस दौरान हमें काफी मात्रा में रेडियो एक्टिव वेस्ट भी मिलता है जो हमारे वातावरण के लिए हार्मफुल होता है। साथ ही साथ इससे जुड़े कई और थ्रेट्स भी होते हैं। साल 2011 में जापान में हुआ फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर डिजास्टर इसका एक बड़ा उदाहरण है, जिसमें सुनामी और अर्थक्वेक से प्रभावित होने के कारण फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट के कई यूनिट से रेडियो एक्टिव मटेरियल्स रिलीज हो गए थे, जिनसे काफी तबाही फैली थी। अब अगर न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें तो ये बिल्कुल उल्टा होता है न्यूक्लियर फिजन के, यानी कि ये ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कई सारे लाइटर न्यूक्लियस एक साथ मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, जिससे काफी मात्रा में हीट और एनर्जी प्रोड्यूस होता है। हमारे सूर्य के लाइट और हीट का सोर्स भी न्यूक्लियर फ्यूजन ही है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन न्यूक्लियाई फ्यूज होकर
हीलियम न्यूक्लाई का निर्माण करते हैं। न्यूक्लियर फिजन के मुकाबले न्यूक्लियर फ्यूजन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि न्यूक्लियर फिजन की तरह इसमें हमें अंत में कोई रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं मिलता। यानी कि पृथ्वी पर अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन को अंजाम देने में सफल रहते हैं तो इसमें हमें काफी एनर्जी तो मिलेगी पर कोई हार्मफुल रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं मिलेगा। यानी कि ये एक एनवायरमेंट फ्रेंडली और क्लीन सोर्स होगा एनर्जी का। यही कारण है कि वैज्ञानिक काफी समय से पृथ्वी पर न्यूक्लियर फ्यूजन को सफल बनाने की कोशिश में लगे हुए थे और इसी फील्ड में अब चीन ने एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त कर ली है जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। उनका कहना है कि वो प्लाज्मा में 10 सेकंड तक 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस के तापमान को मेंटेन रखने में सफल रहे। ये तापमान कितना ज्यादा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे सूर्य के कोर का तापमान भी मात्र 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस ही होता है। यानी कि जो तापमान चीन ने हासिल किया है वो सूर्य के कोर के तापमान का भी लगभग 6 गुना है। अब आप सोच रहे होंगे कि पृथ्वी पर ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो इतने तापमान को झेल सके, तो आखिर चीन ने ऐसा किया कैसे और आखिर इतने तापमान को हम मेंटेन कर भी लेते हैं तो उससे होगा क्या? चलिए जानते हैं इन सब के उत्तर। सबसे पहले इस सवाल पर आते हैं कि चीन ने आखिर ये किया कैसे। हम जानते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन सूर्य जैसे तारों में होता है जो उनके लाइट और हीट का सोर्स भी होता है, पर पृथ्वी पर न्यूक्लियर फ्यूजन को अंजाम देने के लिए टोकामक नाम के एक डिवाइस को इस्तेमाल किया जाता है। ये एक खास तरह का डिवाइस होता है जो मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके हॉट प्लाज्मा को एक खास एरिया के अंदर ही समेटे रखता है ताकि किसी भी तरह से ये उसके कंटेनर को टच न कर सके, क्योंकि हॉट प्लाज्मा इतना ज्यादा गर्म होता है कि अगर ये टोकामक के कंटेनर के संपर्क में आ जाए तो ये उसे उसी समय डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि पृथ्वी पर कोई भी चीज ऐसी मौजूद नहीं है जो हॉट प्लाज्मा के तापमान को झेल सके। चीन जिस टोकामक पर काम कर रहा था उसका नाम है एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामक, जिसे शॉर्ट में ईस्ट भी कहा जाता है। सिलेंडर के आकार के इस डिवाइस की ऊंचाई 11 मीटर है, इसका डायमीटर 8 मीटर है, जबकि इसका वेट 360 टन है। आइए जानते हैं इसके अंदर के पूरे प्रोसेस को किस तरह से अंजाम दिया जाता है। सबसे पहले इसके अंदर डोनट शेप्ड रिंग में ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जैसे हाइड्रोजन के हैवी और सुपर हैवी आइसोटोप्स डाले जाते हैं। उसके बाद टोकामक के अंदर ही पावरफुल इलेक्ट्रिक करंट के जरिए इन आइसोटोप्स को गर्म किया जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम से अलग हो जाते हैं और वहां हाइड्रोजन आयन के चार्ज्ड प्लाज्मा का निर्माण होता है। इसके बाद टोकामक के अंदर मौजूद पावरफुल मैग्नेट्स वहां एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करके वहां मौजूद हाइड्रोजन आयन के इन चार्ज प्लाज्मा को एक छोटे से एरिया में कन्फाइन कर देते हैं, जिससे कि उनके आपस में फ्यूज करने के चांसेस बढ़ जाएं। जब ये आयंस आपस में फ्यूज करते हैं तो वहाँ काफी मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जिसका इस्तेमाल पावर प्लांट को रन करने के लिए तथा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए आसानी से किया जा सकता है। चाइनीज रिसर्चर्स का कहना है कि उन्होंने कुछ नए हीटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया आइसोटोप्स को हीट करने के लिए तथा गर्म प्लाज्मा को कंट्रोल करने के लिए भी, जिसके बाद वो टोकामक के अंदर मौजूद हॉट प्लाज्मा के तापमान को 10 सेकंड तक 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस के तापमान को मेंटेन रखने में सफल रहे, जो कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ज्यादा तापमान को सस्टेन करने का सीधा सा मतलब है हमें ज्यादा एनर्जी का मिलना। फिलहाल चीन इस तापमान को केवल 10 सेकंड तक ही मेंटेन करने में सफल रहा, पर भविष्य में इसमें काफी संभावनाएं हैं। अगर हम एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन का व्यापक तौर पर इस्तेमाल करने लग गए तो न सिर्फ हम निरंतर दूषित हो रहे अपने वातावरण को बचा सकेंगे, बल्कि ये पूरी पृथ्वी पर से एनर्जी क्राइसिस को भी मिटा देगा। आगे क्या होगा ये तो हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, पर चीन की इस उपलब्धि ने हमें भविष्य में एक नई झलक जरूर दिखलाई है। चीन से जुड़ी हुई एक और अहम खबर ये है कि इसने घोषणा की है कि ये साल 2020 तक एक आर्टिफिशियल मून लॉन्च करेगा, जिसकी लाइट इतनी होगी कि यह चेंगडू शहर में मौजूद स्ट्रीट लाइट्स को रिप्लेस कर देगा। अगर साफ साफ बताऊं तो ये हमारे असली चांद से 8 गुना ज्यादा चमकीला होगा। चीन ने अगले 4 सालों के अंदर ऐसे 3 आर्टिफिशियल मून को लॉन्च करने की प्लानिंग की है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आर्टिफिशियल मून्स कैसे काम करेंगे, तो आइए जानते हैं इसका उत्तर। हम जानते हैं कि चांद का अपना कोई लाइट नहीं होता, ये हमें चमकीला दिखाई देता है
क्योंकि ये अपने सरफेस पर पड़ने वाले सूर्य के लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। चीन बिल्कुल इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करने वाला है अपने आर्टिफिशियल मून प्रोजेक्ट में। दरअसल ये ऐसा सैटेलाइट छोड़ेगा जिसका सरफेस हाईली रिफ्लेक्टिव होगा, जैसे कि मिरर। इस सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में पृथ्वी के सतह से 500 किलोमीटर ऊपर के ऑर्बिट में इस तरह से सेट किया जाएगा जिससे कि इससे रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट केवल उस खास शहर पर ही पड़े जिसके लिए इसे टारगेट किया गया है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होने के कारण इसका पोजीशन जमीन के रिलेटिव कभी चेंज नहीं होगा। दिन में तो वैसे भी सूर्य की किरणें जमीन पर आती हैं जिसे ये मैच नहीं कर सकता, इसलिए दिन में ये किसी को नजर नहीं आएगा, पर जैसे ही रात होगी इसके द्वारा रिफ्लेक्ट किया जा रहा लाइट उस शहर पर पड़ेगा और वहां मौजूद लोगों को ये आकाश में चमकता हुआ नजर आएगा। उम्मीद की जा रही है कि इसकी लाइट करीब 10 से 80 किलोमीटर की दूरी को कवर करेगी। चीन का कहना है कि वो ऐसे 3 सैटेलाइट्स छोड़ेगा जो अल्टरनेटिवली काम करेंगे। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इसका फायदा क्या है, तो इसका जवाब ये है कि रात में चांद की तरह ये भी नेचुरल सोर्स होगा लाइट का, यानी कि इस लाइट के लिए न तो बिजली का इस्तेमाल करना पड़ेगा और न ही किसी बल्ब का, यानी कि चाहे बिजली रहे या ना रहे रात में इन आर्टिफिशियल मून्स के कारण शहर में उजाला हमेशा बना रहेगा। ये अर्थक्वेक और सुनामी की आपदा के समय काफी उपयोगी साबित हो सकता है क्योंकि कई बार ऐसे समय में सब कुछ ठप पड़ जाता है। दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं विज्ञान के एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।